आज हम आपको ये वाले लीव बनाने सिखाएंगे जिसे कि हम हर फूल के साथ बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम ये सेंटर से एकदम सेंटर से लेंगे इसके बाद यहां से आके आपको आना है इस तरफ एकदम बिल्कुल इसके बगल में ऐसे। देखिए ये वाली पोज में आपको लेना है और फिर कैच लेना है। इसके बाद फिर आपको आना है सेंटर में और इस बार आपको इस तरफ आना है और खींच लेना है। फिर आप आएंगे बीच में और अब इस तरफ, मतलब आप एक बार इस तरफ आएंगे एक बार उस तरफ जाएंगे। ये देखिए आप फिर आ गए बीच में और ये देखिए इस तरह से इस बार हम आ गए इस तरफ। ये देखिए अब हम इस तरफ आ गए। देखिए इस तरह करते हुए हम बिल्कुल पत्ती के एंड पे आ गए हैं। अभी भी हम वही कर रहे हैं, एक बार इस तरफ और एक बार उस तरफ। ये देखिए ये आ गए हम सेंटर में और ये अब हमने इस बार इस तरफ ले लिया। तो देखिए अब उधर की पत्ती पूरी फिल हो चुकी है। अब हम इधर से सीधे नीचे उतर जाते हैं और पत्ती को यहाँ पर ही हम खत्म कर देते हैं। ये देखिए पत्ती कितनी खूबसूरत बनी है, आप देखिए। अभी बीच में थोड़ी सी जगह बच रही है इसलिए हम केवल एक ये इस तरह से बनाकर पत्ती को कनेक्ट कर देंगे। पर मान लीजिए कि आपके बीच की ये टहनी लंबी है, ये बहुत लंबी है, तो इसके लिए आप स्टेम स्टिच यूज़ करिए। अब मैं ज़रा सा आपको यहीं पर स्टेम स्टिच बना के दिखा देती हूँ कि अगर आपकी डंडी लंबी है तो आप हमेशा स्टेम स्टिच यूज कीजिए। ये देखिए स्टेम स्टिच ऐसी होती है इस तरह से। ये देखिए इसमें थोड़ा सा आगे जाके फिर वापस पीछे इस तरह से लेना होता है। ये देखिए तो अगर आपकी डंडी लंबी है तो आप ये स्टेम स्टिच बीच में यूज कीजिए। देखिए एक बार और हम बता देते हैं आपको, ये देखिए। और अगर आपकी ये बीच की डंडी छोटी है तो आप एक बार ऐसे करके कनेक्ट कर दें उसे।